गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आप लोगों को लगा कि ये क्या देख रही है, अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। आज जो हम लोगों का जो फीमेल का बच्चा पैदा करने के लिए सेक्सुअल सीमेन जो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी कर दिया है, और अभी हम लोग फर्स्ट तो यहाँ पे इंजेक्शन लगाने के लिए आया हूँ। ये सेक्सुअल सीमेन का प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगी, क्राइटेरिया क्या है ये भी बताऊंगी। यहाँ पे हम लोगों का जो क्राइटेरिया है, जो सेक्सुअल सीमेन का जो पानी का टेम्परेचर, ये 37 डिग्री होना चाहिए। और जो उसके साथ जो 32nd ही हम लोगों को होल करके थ्रोइंग करने के लिए दिया है, उसके बाद जल्दी जल्दी गन में लोड करने के लिए दिया है। जल्दी जल्दी गन को लोड करने के बाद अच्छे से जो AI भी करने के लिए दिया है, क्योंकि बहुत सारा क्राइटेरिया भी है। क्योंकि यहाँ पे जो गाय है वो लोकल गाय को, देसी गाय को फर्स्ट पेटी में या सेकेंड पेटी थर्ड पेटी में लगाने के थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चा बहुत बड़ी हो जाएगी। गिर और साहिवाल का आप लोगों को मिलेगी यहाँ पे मेरे पास जो सेक्सुअल सीमेन का बोल। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जो ये अभी मैं AI करने के लिए आया हूँ, यहाँ पे जो मेरा सासी है उसको घर में आया हूँ, ये जो उसका फार्म भी है, उसका जो ये जर्सी काउ है उसको अभी हम इंजेक्शन लगाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे उसको वेट के अनुसार अभी हम लोगों ने देख कर ही इंजेक्शन लगाने के लिए आया हूँ, और बच्चा भी बड़ी हो जाएगी, माँ का थोड़ा दिक्कत होगी पैदा करने के लिए, और इसलिए। और गाइस यहाँ पे बहुत सारी ऑनर ने अभी फोन करके पूछ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्सुअल जो सीमेंट है वो कैसे हम लोगों को मिलेगी। लेकिन जो गाय का अनुजाई ये इंजेक्शन लगा सकती हूँ हम लोगों को, हम लोग ये भूल नहीं कर सकते, क्योंकि देसी गाय में फर्स्ट पेटी हम लोगों ने ये इंजेक्शन लगा दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ जो बहुत देख कर ही इंजेक्शन लगाना जरूरी है। गाय का वेट का अनुजाई, गाय कैसी है, कितना पेटी हो गई है, ये देख कर ये इंजेक्शन लगाना जरूरी है। और वीडियो को अच्छा लगे प्लीज एंड सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख रही है आप लोग। और नेक्स्ट अगले वीडियो में आप लोगों को मिलूंगी। बाय बाय।